दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में शराब बंदी है, मगर बिहार में शराब की खेपें दूसरे प्रदेशों से आती है और धड़ल्ले से बेची जाती है। इसी शराब कारोबार में संलिप्त पंजाब के एक थोक व्यापारी को जो शराब का खेप बिहार भेजते थे, उसे बिहार पुलिस ने पंजाब पुलिस से मिलकर उसे पकड़कर लेके आने में कामयाब हुआ है। पुष्पिंदर सिंह धारीवाल की तलाश ब्रह्मपुर मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र कांड संख्या 427-19 और मांझी सारण थाना कांड संख्या 48/20 में थी। दोनों मामले में शराब की तस्करी से जुड़े हैं धारीवाल। जांच के में नाम सामने आने के बाद पुष्पिंदर को पंजाब से SAS नगर मोहाली थाना सोहना से गिरफ्तार कर लाया गया। यह बड़ी बात है कि दूसरे प्रदेशों से भी अब शराब कारोबार करने वाले को लेकर आने में पुलिस सफल हो रही है। उधर बिहार में नल जल योजना जो प्रारंभ की गई है, गांव-गांव में जो शुद्ध जल देने की जो नीतीश कुमार की यह योजना है, इस योजना में अब यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि जहां कहीं भी नल की गड़बड़ी होगी और नल खराब होगा, वहां अब ठीक करने के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। उस केंद्र पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत पहुंचाने के बाद संवेदक के अधीन यह होगा। एक प्लम्बर और दो सहयोगी होंगे और वो शिकायत मिलने पर उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए ठीक करने का काम करेंगे। यह नल जल योजना को सफल बनाने के लिए यह प्लान बनाई गई है। उधर कल की ही दोपहर की घटना है कि कुरसैला में कबीर मठ के समीप अररिया के ठेकेदार जो चार चक्का से जा रहे थे भागलपुर की ओर, उसकी हत्या बदमाशों ने गोली मारकर कर दी। सुनसान कबीर मठ के समीप 3 गोली ठेकेदार अभिषेक को मारा गया, जो अररिया के रहने वाले बताए जाते हैं। ठेकेदार चंदन अभिषेक की मोबाइल मिली है और मोबाइल के माध्यम से पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है कि आखिर इस ठेकेदार की हत्या किसने की। कुछ लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि 3 गोली की आवाज होने पर कुछ लोग उतरकर भागे हैं, जिसमें ड्राइवर भी भागने की बात कही गई है। पुलिस ने यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले अभिषेक आचंदन अपने पत्नी की हत्या के मामले में जेल में भी बंद थे, जो जेल से छूटकर हाल ही में आए थे। उधर नवादा की बात अगर करें तो नवादा के सोना व्यापारी से अपराधियों ने 30 लाख का ज्वेलरी लूट लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि मृतक अभय कुमार उर्फ गुड्डू कुमार अकबरपुर थाने के फरहा गांव के महेंद्र प्रसाद का बेटा था। वह सोने का थोक का कारोबार करता था और वह कोलकाता से अपने एक सहयोगी के साथ कुछ सामग्री लेकर आ रहा था, जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका लूट लिया गया सोना का आभूषण। उधर सहरसा जिले के अंदर की रिपोर्ट आई है कि सहरसा जिले के चिरैया स्थित ताजपुर गांव में रविवार की शाम 2 गुटों के बीच गैंगवार में एक की मौत हो गई। गोलीबारी में 2 लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली है। गोलीबारी का शिकार बना आपराधिक चरित्र का 30 वर्षीय युवक मौसम यादव, जो करहरा गांव का रहने वाला बताया जाता है। 2 गुटों के बीच की लड़ाई का गैंगवार में खगड़िया जिला के मोड़काही थाना निवासी
नगीना चौधरी और कबीरा पंचायत के कांटी गांव निवासी कैजमा सदा को भी गोली लगी है। हालांकि घटनास्थल पर सिर्फ मौसम यादव की ही मौत होने की बात कही गई है। उधर सुपौल मधेपुरा में 4 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि प्रखंड भागलपुर बीहपुर प्रखंड के एक गांव में शादी करने के नियत से एक युवती को अगवा करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती के पिता ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें प्रतीक कुमार, उसके पिता राजीव चौधरी, चचेरे भाई विक्की कुमार साकिन, कुरसंडी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा व रूपेश ठाकुर साकिन सुपौल को नामजद आरोपी बनाया गया है। उधर वर्षों से कटिहार में जूट मिल बंद होने की जो मामले हैं, उस मामले को कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने पुरजोर तरीके से सदन में लोकसभा में उठाया है और अविलंब चालू किए जाने की मांग भी उसने किया है। कैमूर की खबर आती है कि कैमूर दुर्गावती थाना क्षेत्र के एक गांव में बधार में शनिवार की देर रात 4 युवकों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 2 युवक महिला को पकड़े हुए थे, जबकि 2 युवकों ने बारी बारी से मुंह काला किया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुन जब पति पहुंचा तो दुष्कर्मी भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जिससे पुलिस के समक्ष जुर्म स्वीकार भी किया। DSP रघुनाथ सिंह ने मोहिनिया थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि महिला शनिवार की शाम 6:30 बजे घर से टहलने के लिए निकली थी। टहलते हुए जैसे हुआ रोड पर जा रही थी कि दुर्गावती थाना क्षेत्र के डुमरी टोला बहेलिया के शशिकांत बिंद, बुल्लू बिंद, उमेश बिंद और अभिमन्यु बिंद ने मिलकर उस महिला के साथ बलात्कार किया। यह बात निकलकर आते ही लोगों में काफी रोष व्याप्त हुआ। उधर नवगछिया के तुलसीपुर में शनिवार रात सड़क दुर्घटना में मुंगेर के नवगढ़ी के रहने वाले रामदेव मंडल की मौत हो गई। ऑटो पलटने से हुई इस दुर्घटना में रामदेव का भतीजा रणवीर मंडल, पड़ोसी केदार और अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। उधर मुजफ्फरपुर से बात निकलकर आई कि मुजफ्फरपुर नगर थाने के मोतीपुर ओवरब्रिज पर शनिवार को 2 युवकों ने एक आयुष डॉक्टर की पत्नी से लाखों के जेवर ठग लिया। खबर ग्रह नक्षत्र ठीक करने का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। युवकों ने डॉक्टर की पत्नी से सारे जेवर व पर्स लेकर भगवान का नाम जपने के साथ 51 कदम चलने के लिए कहा। इस बीच दोनों फरार हो गए। ठगी की शिकार होने के बाद कटरा थाने में धनौर निवासी डॉक्टर मनोज पांडे की पत्नी रीना पांडे ने मामला दर्ज कराया। आज भी लोग अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं कि लूटने वाले बड़े ही चालाकी से लूट लेते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।